हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा होममेड प्री वर्कआउट के बारे में, जो कि हमारा मसल गेन करती है और फैट लॉस करती है। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो प्री वर्कआउट मंगवाने की, अगर आप भी सोच रहे हो 1000-1200 लगाने की, इससे पहले मेरी ये वीडियो पूरी देख लेना, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, अगर आप भी जिम जाते हो, आपने कईयों को देखा होगा कि कॉफ़ी का पाउच लेके पानी में मिला के पी के वो फिर वर्कआउट करते हैं। तो दोस्तों, कईयों को पता है कि ये प्री वर्कआउट है, उनको ये नहीं पता कि ये प्री वर्कआउट क्यों है। तो आज मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसको लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो कॉफ़ी होती है उसके अंदर होता है कैफीन। कैफीन हमारे क्या काम आता है, कैफीन क्या काम करता है हमारे अंदर जाके? कैफीन हमारे फोकस पे काम करता है। फोकस मतलब कि कैफीन का काम होता है फोकस करना। फोकस मतलब कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा उस एक्सरसाइज पे पूरा फोकस करना, मसल पे पूरा फोकस करना। अगर हमारे माइंड में हज़ारों बातें चल रही है, उस हज़ारों बातों को रिमूव करके हम एक एक्सरसाइज को करते हैं, उस पर फोकस होता है हमारा। इसलिए हमारा कैफीन ज़रूरी होता है, इसलिए लोग कॉफ़ी पीते हैं वर्कआउट से पहले। तो अब मैं बता देता हूँ ये किस किस को लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे जो पतले होते हैं, जो मेरे भाई पतले हैं बिल्कुल, उनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये मसल गेन करता है और फैट लॉस करता है, फैट बर्न करता है। फैट बर्न मतलब कि पतला करता है। तो दोस्तों, अगर आप पहले ही पतले हो और उसको लोगे तो आप पतले और हो जाओगे, और ऊपर से आपका जो मसल गेन की बात करिए, वो झूठ नहीं बोला मैंने, जो मसल गेन की बात करिए, अगर एक्सरसाइज करोगे उसके बाद आपका फिनिशिंग आएगी, मतलब जो आपका ये बाइसेप है उसके अंदर फिनिशिंग आएगी, मतलब फिर वो छोटा होगा, ठीक है? तो दोस्तों, आपको नहीं लेनी। और दूसरा स्किनी फैट होता है, जो स्किनी फैट मतलब कि जो ऊपर से सही होता है, नीचे से बस उनका एक पेट की प्रॉब्लम होती है, उनका पेट बड़ा होता है। तो हमारे भाई वो भी ले सकते हैं, और उससे ऊपर कोई भी ले सकता है भाई। तो अब मैंने ये बता दिया कौन कौन ले सकता है, और ये इसका क्यों यूज़ करते हैं, और तीसरी बात ये है कि इसको कैसे लेना चाहिए। तो भाई, मेरे जिम से आधा घंटा पहले हमको ये लेनी है, और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। और मैंने देखा है कि कुछ मेरे भाई, मैं उनको गलत नहीं बोलूँ, कुछ मेरे भाई कॉफ़ी का पाउच लेते हैं, फाड़ते हैं, उसको सीधा मुँह में डालते हैं और बस भाई पानी पिया, अपने एक्सरसाइज स्टार्ट। तो दोस्तों, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारा फोकस भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं फोकस होगा, क्योंकि हम वो पाउच उसका टेस्ट, मतलब कि मैं क्या बताऊं, टेस्ट होता ही नहीं। तो अगर हम उसको लेते हैं, अगर हम उसको सूखा ही फाड़ के सीधा मुँह में डालते हैं, तो हमारे वो जीभ और मतलब सारी जगह लग जाती है, और उसके बाद हम पानी पी लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, हमारा फोकस नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारी जो जीभ का टेस्ट होता है वो बहुत ही हद से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमारा पूरा फोकस उस पर ही होता है कि टेस्ट कितना गंदा हो गया यार, फेस मुंह का टेस्ट कितना गंदा होगा, तो हमारा फोकस उस पर नहीं जाता। तो अगर आप भी ऐसे इसको ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट करो, और मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।